रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और चाइना ताइवान अग्रेशन के चलते दुनिया भर में एक सवाल बहुत क्लियरली पूछा जा रहा है कि क्या आने वाले दिनों में एक न्यूक्लियर वॉर मुमकिन है। Russian President Vladimir Putin to invade Ukraine. Taiwan President Tsai Ing-wen has stood firm against increasing Chinese aggression. दुनिया के सारे देश एक इकोनॉमिक रेस में लगे हुए हैं, साथ ही साथ एक की फैक्टर है जो कुछ चंद देशों को बाकी देशों से एक लेवल ऊपर रखता है और वो की फैक्टर है न्यूक्लियर पावर। For the first time in human history, we now were capable of our own destruction. The bomb affects everything. It was the opening shot of the Cold War. क्या आपको पता है कि इंडिया की $2 trillion इकोनॉमी टच करने से पहले यूएस, यूके, पाकिस्तान और चाइना एक साथ मिलकर इंडिया के ऊपर एक मेजर थ्रेट पोस्ट कर रहे थे। इनफैक्ट एक समय ऐसा भी आया था जब यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने इंडिया को थ्रेट किया था कि वो इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर देंगे। जी हाँ, यूएसए कभी किसी के सगे नहीं बन सकते। तो सवाल ये पैदा होता है कि कैसे इंडिया इतने सारे थ्रेट्स होने के बावजूद भी अपना न्यूक्लियर स्टेटस अचीव कर पाया। तो हेडफोन्स डाल लीजिए, क्योंकि इस कहानी में हम चार युद्ध और कई सारे लीडर्स और साइंटिस्ट के अनसर्टेन डेथ्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे इंडिया इतना कुछ होने के बावजूद भी अपना न्यूक्लियर स्टेटस अचीव कर पाया। ये कहानी है हाउ इंडिया बिकेम अ न्यूक्लियर स्टेट। तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। टुडे एट 15:45 आवर्स इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज। दिस माइलस्टोन एज हैज ऑलरेडी बीन इंडिकेटेड रिजल्ट्स इन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो। अब टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। 9th August 1945, यूएस एयरफोर्स के B-29 बॉम्बर ने फैटमैन नाम के एक 10,000 pound प्लूटोनियम बॉम्ब को जापान के नागासाकी नाम के एक शहर के ऊपर ड्रॉप कर देता है। ये इंसिडेंट इतना खतरनाक था कि बॉम्बिंग के एक हफ्ते के अंदर जापान वर्ल्ड वॉर 2 से सरेंडर कर लेते, और क्यों ना करते। बॉम्ब ड्रॉप करने के साथ साथ 1,00,000 से भी ज्यादा लोग राख बन जाते हैं। दुनिया भर के सारे लीडर्स को अब ये पता चल चुका था कि अगर 21st सेंचुरी में दुनिया में राज करना है तो न्यूक्लियर पावर होना जरूरी है। इसी के साथ साथ शुरू हो गया द न्यूक्लियर रेस। और एज यूजुअल यूएस, यूके और सोवियत रशिया लग गए अपने अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग्स में। जहां यूएस ने 1945 में, रशिया ने 1949 में, यूके 1952, फ्रांस 1960 और चाइना 1964 में। चलिए अब थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। जब ये सारे देश अपने खुद के टेस्टिंग्स कर रहे थे तब इनको किसी ने कुछ भी नहीं कहा, पर जब इनके टेस्टिंग्स कंप्लीट हो गए और ये देश न्यूक्लियर स्टेट बन गया तब इन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968 बनाया। इस ट्रीटी के मुताबिक नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स कभी भी अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन्स मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा और दूसरे न्यूक्लियर स्टेट से न्यूक्लियर वेपन्स अक्वायर भी नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ न्यूक्लियर स्टेट्स कोई दूसरे नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स को, एंड आई कोट, असिस्ट, एनकरेज और इंड्यूस एनी न्यूक्लियर वेपन्स। आसान भाषा में दुनिया में कुछ बिग बैड बॉयज थे जो बाकी देशों को ये कह रहे थे कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है पर तुम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वेल, थोड़ा दुख होता है कि ये सब हमें स्कूल्स में नहीं सिखाए जाते, इसलिए मेरा चैनल है तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं और भी वीडियोस लाता रहूंगा। Now let's get back to the story. Well, इन big bad boys को इंडिया ने क्या response दिया? इंडिया ने ये response दिया कि हम भी अपने खुद के nuclear weapons manufacture नहीं करेंगे अगर ये सारे nuclear states अपने nuclear weapons को disarm कर दे। ये response खुलेआम reject हो गया। देखिए, geopolitics में justice और equality जैसे terms काम नहीं करते। जो terms काम करता है वो है power and money। वापस आता है non-proliferation treaty में। जब ये ट्रीटी बाहर निकाला गया तब 191 नेशंस ने इसे साइन किया, सिवाय इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल ने। बाद में नॉर्थ कोरिया ने भी इससे विड्रॉ कर लिया। अब सवाल ये आता है कि इंडिया ने क्यों नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में साइन नहीं किया? क्योंकि जब ये ट्रीटी साइन हो रहा था
तब इंडियन बॉर्डर्स में कुछ ऐसा चल रहा था। 20th अक्टूबर 1962 में चाइना इंडिया के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में इन्वेड कर देते हैं, जिसके कारण इंडिया को ऑक्साई चिन खोना पड़ा, जो 43,000 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा था। इसके इमीडिएट 3 साल बाद 1965 में पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया। वेल, यहां से ही पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती शुरू हुई। रीजन ये था कि इंडिया दोनों के कॉमन एनिमी थे। उसके ऊपर उस समय इंडिया एक ट्रेजिक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी। चाइना और पाकिस्तान चाहते तो इंडिया को तबाह कर सकते थे। इसी वजह से इंडिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया और तेजी से अपने न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स के ऊपर ध्यान देने लगे। इन डेवलपमेंट्स के पीछे इंडिया के 3 बड़े लेजेंड्स का हाथ था, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और दोराबजी टाटा। वेल, ये बुक है होमी जहांगीर भाभा के ऊपर, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो पढ़ सकते हो। टाटा इस रिसर्च को फंड करते थे, डॉक्टर भाभा इस कैपिटल को यूज करके टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और ट्रॉम बॉय एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट जैसे रिसर्च सेंटर्स एस्टेब्लिश करते थे। और शास्त्री जी ने इंडिया को 1965 में ही अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया था। तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। इसी के बाद न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिजाइन ग्रुप और स्टडी ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स फॉर पीसफुल पर्पसेस यानी SNEPP की निर्माण की गई। पर अनफॉर्चुनेटली 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एक मिस्टीरियस हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। वेल, इसके ऊपर भी एक बुक है, योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड बाय अनुज सर, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो पढ़ सकते हो। हम इस न्यूक्लियर अचीवमेंट्स के इतने नजदीक थे कि 1965 के एक ऑल इंडिया रेडियो के इंटरव्यू में डॉक्टर होमी भाभा ने यह कहा था कि हम बस 18 महीनों में ही अपने खुद के एटॉमिक बॉम्ब्स बना सकते हैं। इस इंटरव्यू से पाकिस्तान के तब के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने लिटरली ये कहा कि हम खाली पेट रह लेंगे, घास खा के रह लेंगे, लेकिन हम भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स रखेंगे। I will not be a party to. My country harkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? इस इंटरव्यू के 3 महीने के अंदर डॉक्टर भाभा की भी मिस्टीरियस प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है। Of Europe, only a few feet below the summit of Mont Blanc, 117 people met sudden death. Well, इसके ऊपर ज़्यादा investigations और discussions नहीं किए गए हैं, पर उंगली एक के तरफ ज़्यादा उड़ता है, CIA. इसके ऊपर एक सीरीज बना, एक नहीं, actually दो सीरीज बना है, Rocket Boys नाम के, आप चाहे तो देख सकते हो। Well, इन दोनों legends के death के बाद Indian nuclear program को मानो एक झटका लगा। इसके 5 साल बाद 1971 में एक और इंडो-पाक वॉर शुरू हुई। ये लड़ाई पहले वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान यानी मॉडर्न डे बांग्लादेश के बीच में था। मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। 1971 के इस वॉर में वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर एक ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च की थी। The reasons why there is a Bangladesh today is the fact that troops from West Pakistan, Punjabis, savagely terrorized the Bengali population of East Pakistan. Perhaps a million people died. ये दुनिया के हिस्ट्री में one of the ruthless genocide था। पाकिस्तानी आर्मी ने 30 लाख से भी ज्यादा बंगालीज को मार दिया था। ये मैस मर्डरिंग 9 महीनों तक चला, जिसके चलते ईस्ट पाकिस्तान से 1 करोड़ से भी ज्यादा रेफ्यूजीज इंडिया आ गए। वेस्ट पाकिस्तान ने ये मैस स्लॉटरिंग ईस्ट पाकिस्तान को अपने नीचे दबाकर रखने के लिए किया था, पर यहाँ पाकिस्तानी एयरफोर्स एक गलती कर बैठते हैं। इतने सारे रेफ्यूजीज इंडिया में आने के लिए इंडिया में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही थी। ऊपर से दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कुछ इंडियन एयर बेसिस पे अटैक कर बैठते हैं, जिसे ऑपरेशन चेंगिस खान का नाम दिया जाता है। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। इसी गलती के वजह से इंडिया लीगली इस वॉर का हिस्सा बन जाता है और बस 2 हफ्तों के अंदर 93,000 पाकिस्तानी को सरेंडर करने में मजबूर कर देते हैं। इंदिरा गांधी ने इन्हीं 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को बिना किसी कंडीशन या एक्सचेंज में पाकिस्तान को सौंप दी थी। क्या आपको लगता है कि इंदिरा जी ने यह सही किया था या फिर इसके बदले हमें कुछ वापस मांगना चाहिए था?
आपका जो थॉट्स है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। इसी समय यूएसए ने अपने 75,000 टन्स के 7th फ्लीट को बे ऑफ बंगाल में तैनात किया था। These are ships of the United States 7th Fleet, ships of many types and characteristics, ships of the most powerful single sea force in the world today. ये शिप कोई भी मामूली शिप नहीं थी, ये उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप था, जहां 70 फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स कैरी करने लायक कैपेसिटी था। इसके ऊपर अरेबियन सी में ब्रिटेन ने अपने शिप्स एचएमएस ईगल को तैनात करके रखे थे। चारों तरफ से जब खतरा इतना ज्यादा मंडरा रहा था, तब इंडियन ओशन में सिर्फ आईएनएस विक्रांत मौजूद था, जहां बस 20 लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट्स कैरी करने का कैपेसिटी था। वेल, अब एंट्री होती है इंडिया के ऑल सीजन फ्रेंड यूएसएसआर यानी रशिया की, जो अपने 2 क्रूजर्स, 2 डिस्ट्रॉयर्स, सपोर्ट वेसल्स और 6 सबमरीन्स के साथ पहुंच जाते हैं इंडिया की मदद करने। इस वजह से यूएस और ब्रिटेन को पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद बांग्लादेश को अपनी आजादी मिली। वेल, इस समय यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करने का थ्रेट भी दिया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद न्यूयॉर्क टाइम्स बोल रहा है। इसी समय इंडिया के ऊपर इन बिग बैड बॉयज से बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा था। इसी खतरे को देख के इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 7th सितंबर 1972 में न्यूक्लियर फिजन डिवाइस डेवलप करने का अथॉरिटी दे दिया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के 75 साइंटिस्ट ने मिलकर इंडिया के खुद के एटॉमिक बॉम्ब को डिजाइन और डेवलप करना शुरू कर दिया। इसके 2 साल बाद 1974 में इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया। इसी ऑपरेशन को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दे दिया गया। ऑल्दो ये कोई वेपन्स ग्रेड टेस्ट नहीं था, ये माइनिंग और अंडरग्राउंड टनल्स बनाने के लिए था। इंडिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में सफल होने ही वाला था, तभी 1975 में पूरे देश भर में एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। इंदिरा गवर्नमेंट कोलैप्स कर गया और इकोनॉमी अपने घुटने टेक दिए। इसके बाद 1979 में दूसरा ऑयल शॉक भी हुआ। We're in an energy crisis now and will be for some time to come. The oil producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. They will reduce oil production by 5% a month. इसके बाद 20 साल गुजर जाते हैं। देश भर में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण इंडिया अपनी न्यूक्लियर स्टेटस अचीव नहीं कर पाती थी। पर इन 20 सालों में इंडियन आर्मी और इंटेलिजेंस को ये पता चल गया था कि चाइना अपने टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे हैं और जल्द ही पाकिस्तान अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन्स अचीव कर लेगा। अब आप सोच के देखिए कि अगर पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अचीव कर लेता तो इंडिया के ऊपर कितना बड़ा थ्रेट रहता। क्यों? क्योंकि चाइना और पाकिस्तान, जो कि इंडिया के नेबर्स है, दोनों साइड से इंडिया को घेर लेते और थ्रेट करते। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने थ्रेट्स रहने के बावजूद भी इंडिया कैसे एक न्यूक्लियर स्टेट बन पाया। वेल, 1995 में एक और आशा की किरण दिखाई दी। इंडिया में इकोनॉमी फिर से ग्रो करने लगी थी और पीएम नरसिम्हा राव ने न्यूक्लियर टेस्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया। पर अनफॉर्चुनेटली इस मिशन को भी अबॉर्ट करना पड़ा जब CIA ने पोखरण रीजन में सस्पिशियस मूवमेंट्स नोटिस की। इसके 1 साल बाद राव ने फिर से एक टेस्ट कंडक्ट किया, पर इस बार भी CIA के एक लेटर आने के वजह से इस प्रोजेक्ट को होल्ड पे रखा गया। अब आते हैं इसके इमीडिएट 1 साल बाद यानी 1996 में, अटल बिहारी वाजपेयी पावर में आए। एक नहीं, दो नहीं, करो 200 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। इसी समय इंडिया ने फिर से 3 और लेजेंड्स को एक साथ सामने आते देखा, जो इंडिया के न्यूक्लियर मिशन को अंजाम दे सकते थे। वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, DRDO से APJ अब्दुल कलाम और चीफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी R. चिदंबरम। क्या अब इंडिया अपने मंजिल में पहुंचने वाला था? अनफॉर्चुनेटली नहीं। इस बार बस 13 दिनों के अंदर वाजपेयी सरकार गिर गई। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आह, ये बाधा है, पर हमेशा याद रखना कि आप जितने बाधाएं पार करोगे उतना ही मजबूत आप बनते जाओगे, और इंडिया को इस सफर में और भी ज्यादा मजबूत होना बाकी था। इसके 2 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, पर
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 1998 में अटल जी एक बार फिर से इंडिया के पीएम बने और बिना कोई वक्त जाया किए उन्होंने कलाम और चिदंबरम को फिर से बुलाया और एक सीक्रेट मीटिंग कंडक्ट की। ये डिस्कशन इतना सीक्रेसी में किया गया था कि सिवाय उस समय के होम मिनिस्टर एलके आडवाणी जी के किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसके बाद एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम सेटअप की गई जिन्होंने अपने सुपर एक्यूरेट कैलकुलेशन से यूएस स्पाई सैटेलाइट को अवॉइड करी और न्यूक्लियर डिवाइसेस को देश के अलग अलग हिस्सों से लाया गया ताकि कोई सस्पिशन क्रिएट ना हो। अगर ये एक्सप्लोड हुआ तो ये पूरा शहर अंडरग्राउंड हो जाए। क्या बात कर रहे हो सर? In minutes, officer. It'll happen in minutes. Made in India. And finally, 11th May 1998, 3:45 मिनट्स में इंडिया ने अपने तीन डिवाइसेस शक्ति 1, शक्ति 2 और शक्ति 3 का सक्सेसफुली टेस्टिंग की। इसके बाद और भी दो टेस्ट्स, यानी शक्ति 4 और शक्ति 5 की गई और फाइनली दुनिया के सामने अटल जी ने ग्रैंड अनाउंसमेंट कर दी। टुडे एट 15:45 आवर्स इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, परमाणु, बहुत ही बेहतरीन मूवी है, आप देख सकते हो। इसी के दो हफ्ते के अंदर पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्ड किया अपने खुद के एटॉमिक ब्लास्ट्स के माध्यम से। ये काफी क्लियर था कि पाकिस्तान को चाइना और यूएसए से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हेल्प मिल रहा था। ये थी इंडिया के नॉन न्यूक्लियर से न्यूक्लियर स्टेट बनने की कहानी। हम उन महान साइंटिस्ट्स, लीडर्स और सोल्जर्स को तहे दिल से श्रद्धा देते हैं जिन्होंने अपने जान जोखिम में डालकर हमारे और हमारे आने वाले जनरेशंस के लिए भारत भूमि को इतना मजबूत बनाया। आज उनके लिए ही इंडिया वन ऑफ द 9 कंट्रीज है दुनिया भर में जिनके पास न्यूक्लियर पावर्स मौजूद है और इंडिया आज दुनिया के सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के साथ साथ एक पावरफुल देश बन चुका है जिसकी ओपिनियन पूरा दुनिया सीरियसली लेता है। एनीवे, इतना दूर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक भी कर देना, और लाइक का कोई टारगेट नहीं रखते क्योंकि छोटा चैनल है, औकात नहीं है। एनीवे, जय हिंद। अबे कैमरा अभी भी चालू है, वीडियो खत्म।